हेलो नमस्कार, मैं प्रवेश शर्मा। आज हमारा टॉपिक है POA 1992, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 यानी रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992। इसके बारे में गहराई से बताने से पहले हम संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, क्योंकि संशोधन 1986 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही हुआ है, तो 1992 का सामान्य परिचय देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद इस नीति के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा की जाएगी, परंतु केंद्र सरकार ने 3 वर्ष बाद 1990 में ही इसकी समीक्षा हेतु राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 का गठन कर दिया। अभी इस समिति के प्रतिवेदन पर विचार भी शुरू नहीं हुआ था कि केंद्र की नई सरकार ने 1992 में इस नीति के क्रियान्वयन एवं परिणामों की समीक्षा हेतु जनार्दन रेड्डी समिति 1992 का गठन कर दिया। इन दोनों समितियों की रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने 1992 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ संशोधन कर दिए और इसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 विद मॉडिफिकेशन अंडरटेकन इन 1992 के नाम से प्रकाशित किया। कुछ विद्वान इसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 कहते हैं। सरकार ने उसी वर्ष इसकी कार्य योजना प्लान ऑफ एक्शन में भी कुछ परिवर्तन किए। इस परिवर्तन कार्य योजना को कार्य योजन 1992 यानी कि प्लान ऑफ एक्शन, जो कि हम इसमें देख रहे हैं ऊपर दिया हुआ है POA 1992 यानी कि प्लान ऑफ एक्शन 1992 कहा जाता है। यहाँ पर इन दोनों का जो है वर्णन संक्षेप में देख लेते हैं। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का दस्तावेज। भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो संशोधन किया, उसमें जो भाग एक है, भाग एक और भाग दो, भाग एक है भूमिका और भाग दो शिक्षा का सार और उसकी भूमिकाओं में कोई भी संशोधन नहीं किया गया, इनमें संशोधन नहीं किए गए। भाग तीन राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में केवल एक संशोधन किया गया। भाग तीन में केवल एक संशोधन किया गया था। इसमें पूरे देश में +2 को स्कूली शिक्षा का अंग बनाया जाएगा। भाग चार समानता के लिए शिक्षा में जो है चार भाग भाग चार यानी कि चार अंग बनाया जाएगा। समग्र साक्षरता अभियान पर और अधिक बल दिया जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM को निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, छोटा परिवार, नारी समानता को प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या से जोड़ा जाएगा। रोजगार, स्वरोजगार, केंद्रीय एवं आवश्यकता एवं रुचि पर आधारित व्यवसायिक व कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर बल दिया जाएगा। नव साक्षरों के लिए साक्षरता उपरांत सतत शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। अब आता है भाग पाँच, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, शिशुओं की देखभाल और शिक्षा में 7 संशोधन किए गए। जो 7 संशोधन इस प्रकार से हैं, ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 3 बड़े कमरों और 3 शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। भविष्य में प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों में 50% महिलाएं होंगी। ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू किया जाएगा। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को 2000 तक
सन 2000 तक प्राप्त करने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा के जो है लड़कियों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के नामांकन पर बल दिया जाएगा। मुक्त अधिगम प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। परीक्षा एवं मूल्यांकन में सुधार हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन गठित किया जाएगा। अब आता है भाग 6, तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा में केवल एक संशोधन किया गया, जो कि इस प्रकार है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ACTE को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। भाग 7, शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना या बनाने में कोई संसाधन नहीं किया गया है। भाग 8, शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना, इसमें दो संशोधन किए गए। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा और परीक्षा संस्थाओं के दिशा निर्देश हेतु परीक्षा सुधार प्रारूप तैयार किया जाएगा। भाग 9 में कोई भी संशोधन नहीं किया गया। भाग 10, शिक्षा का प्रबंध में केवल एक संशोधन किया गया। शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% से अधिक व्यय किया जाएगा। भाग 11, संसाधन और समीक्षा, और भाग 12, भविष्य में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। कार्य योजना 1992 का दस्तावेज। अब आता है कार्य योजना 1992 का दस्तावेज। भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन करने के साथ साथ उसकी कार्य योजना में भी संशोधन किए और उसे कार्य योजना 1992 यानी कि प्लान ऑफ एक्शन 1992 के नाम से प्रकाशित किया। कार्य योजना 1986 24 भागों में विभाजित थी। कार्य योजना 1992 को 23 भागों में विभाजित किया गया, यानी कि 23 भागों में बांटा गया, और उसका वर्णन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि समय सीमित है। और इस टॉपिक पर हमारे 3 पार्ट होंगे, 3 या 4 पार्ट हो सकते हैं। ये पहला पार्ट है और लगातार जो भी पार्ट आते जाएं आप देखते जाइएगा। ये बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के सिलेबस में है। टीचिंग सब्जेक्ट संस्कृत में भी है और फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट में भी है, इसलिए इसे ध्यान से समझें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आने वाली वीडियो पर ध्यान देते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।